ये सब निर्भर उस इंडिविजुअल के हाथ में होता है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बनाता है, कैसे लिखता है, क्या कैसे। गुड मॉर्निंग ऑल, कल का ब्लॉग शायद आप सभी ने देखा होगा, मेरा यह पहला ब्लॉग था, शायद आप लोगों को पसंद आया नहीं आए, आप अपने कमेंट्स मेरे को भेज सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड राम राम। राम राम शब्द हम लोग बेसिकली आर्मी में एक अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देने के लिए लेते थे, बड़ा ही अच्छा शब्द है भगवान का नाम। सुबह सुबह बहुत ही अच्छी सुबह लग रही है, ठंडी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है और ठंडी में वॉकिंग करने के का अलग मज़ा होता है। आप सभी को लगता होगा ये भाई सुबह उठ के ही अपना ब्लॉग चालू कर देता है, पर सही बोलूँ ना, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि 24 घंटे में मैंने अपने शरीर को 30 मिनट पक्का देना चाहिए ताकि मैं फिट रहूं, दुनिया को अच्छे से देख सकूं और आगे बढ़ सकूं। मेरा तो ये मानना है कि भगवान जब हमको यहाँ भेजता है तो हमारे हाथ में कलम दे देता है और एक कोरा पेपर होता है, उस कोरे पेपर में आप अपनी किस्मत कैसे लिखते हो आपके हाथ में, वेरी क्लियर। आप जैसा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। अच्छे से संबंध या बुरे संबंध यहाँ अपने हैबिट्स को अपने आचार विचार से लेके हैं कि हम अपने परिवार को अपने सोसाइटी को और अपने लोकेलिटी को हम क्या अच्छा दे सकते हैं, अच्छा हमने देना चाहिए। तो ये सब निर्भर उस इंडिविजुअल के हाथ में होता है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बनाता है, कैसे लिखता है, क्या कैसे कलर भरता है। अगर वो रंग बिरंगे कलर भरता है तो उसकी लाइफ में वैसे ही रंग रहेगा। तो इन शॉर्ट, लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, इन्जॉय इट बिफोर इट गेट मेल्ट्स। हाँ गाइस, लाइफ से ज़्यादा है, लाइफ में इन रोडों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें आप ये रोड में जब खड़ा हूँ, एक रोड देहू के लिए जाता है जो हमारा महाराष्ट्र का एक पवित्र स्थान है, और ये वहाँ से रिटर्न आने के लिए है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको वॉक करके दिखाऊँ तो शायद जो अनजान आदमी यहाँ पे कभी आए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी हम यहाँ के लोकल हैं, हमको समझता है कि लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ गड्ढे कम मिलेंगे, पर आप सोचिए अगर रात के टाइम में कोई आ रहा है और इस टाइप के गड्ढे तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो यहाँ की लोकल बॉडी को ये देखना चाहिए कि कम से कम जो काम रुक गया, ठीक है काम रुक गया अलग बात है, पर यहाँ कम से कम मुरुम वगैरह डाल के ये रोड को ओके कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे को देना है यहाँ की लोकल अथॉरिटी को। तो हो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आप लोग का कल भाई दूज अच्छा रहा होगा। हाँ, मेरे बारे में पूछो तो मैं कल एक ओला ड्राइवर विदाउट एनी पेमेंट ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि एक फैमिली फंक्शन है, मिसिस को बच्चों को जगह जगह लेके जाना पड़ता है, तो मेरा भाई दूज काफ़ी अच्छा रहा। आने वाले दिन भी ऐसे अच्छे जाएं, ऐसी भगवान से कृपा करता हूँ। थैंक यू।